बात कर लेते हैं एयरो इंडिया एयर शो की, जिसका आज समापन हो गया। एयर शो के आखिरी दिन बंगलुरु के आसपास एक बार फिर से देश के वायुवीरों के शौर्य पराक्रम की एक झलक देखी गई है। और आखिरी दिन इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। ये एयर शो भारत के रक्षा निर्यात को एक नई उड़ान दे सकता है। एयर शो में शामिल 811 कंपनियों के उत्साह में इसकी झलक साफ दिखी। बेंगलुरु में एयरो इंडिया एयर शो का आगाज जितना रोमांचक था, उतना ही शानदार था इसका समापन। आज इस एयरो शो के आखिरी दिन हिंदुस्तान के हवाई लड़ाकों ने अनंत आकाश में अपने शौर्य की इबारत लिख दी। आज के एयर शो की शुरुआत सूर्य किरण विमानों के साथ हुई। एक के बाद एक रनवे से टेक ऑफ करते इन सूर्य किरण विमानों ने दर्शकों को हवाई रोमांच का एहसास कराया। सूर्य किरण के बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ने जब आकाश में गोते लगाए तो सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। पूरी रफ्तार से आसमान में तीखे मोड़ लेते हुए इस हेलीकॉप्टर ने अपनी काबिलियत पर मोहर लगा दी। इस फुर्तीली उड़ान को अब पूरी दुनिया तेजस के नाम से पहचान चुकी है। आसमान में जब तेजस ने पूरी रफ्तार से गोता लगाया तो इस हैरतअंगेज उड़ान ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। तेजस के बाद वायुसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धाओं में से एक सुखोई 30 ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। येलहंका एयरबेस पर सुखोई ने अपनी उड़ान के साथ साथ डिफेंस की तकनीकों का प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में देश और विदेश की कुल 811 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें 701 कंपनियां भारत की और विदेश की 110 कंपनियां शामिल हुई। कुल 98 देश इस एयर शो का हिस्सा बने। 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायु प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। 73 डिफेंस कंपनियों के CEO भी इस एयर शो में पहुंचे। इस एयर शो के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का एहसास करा दिया। साल 2024 तक भारत अपना रक्षा निर्यात 25,000 करोड़ तक बढ़ाना चाहता है। ये एयर शो इस लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।